द फुल वॉल्यूम की तरफ से आप सभी को 150वीं गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं चंद्रा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द फुल वॉल्यूम में। दोस्तों, आज ज्ञान भवन में गांधी जी की 150वीं जयंती पे यहां प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, तो आइए चलते हैं और देखते हैं यह प्रदर्शनी किस प्रकार से है। हमारे साथ मधुबनी की जबिला खातून जी हैं, तो जो कि पुराने रूप के जो गांधी जी का चरखा आप फोटोज में देखते थे, वही रूप से ये चरखा से सूत काट रही हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। चाची, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। हाँ, ये जो आप सूत काट रहे हैं, कब से काट रहे हैं? काफी दिन से काट रहे हैं हम। तो ये आपका प्रॉपर बिजनेस हो गया, घरेलू आपका उद्योग है? हाँ। तो आप जो कपड़ा सूत काटते हैं, तो सूत काटने के बाद कपड़ा भी बनाते हैं या सिर्फ सूत? सिर्फ सूत। तो ये सूत कहाँ आप भेजते हैं? वहाँ बुनता है ना, वहाँ पे बुनता है। तो पूरा परिवार आपका इसमें लगा हुआ है? नहीं, हम अकेले। अच्छा, आप अकेले? तो बाल बच्चा जो है ये सब इसको नहीं करता है?
नहीं। उस वो लोग इंटरेस्ट नहीं लेता है। नहीं। लेकिन आपका आप ही काम कैसे शुरू किए, मतलब क्या आखिर हुआ? हम लोग सीखते सीखते सीख लिए तब कर रहे। अच्छा ठीक, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चाची। हमारे साथ मधुबनी की सगीरा खातून जी हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक चरखा से सूत को काट रही हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है। ये जो आप सूत काट रहे हैं वो कब से काट रहे हैं? हम 15 साल से काट रहे हैं। 15 साल से काट रहे हैं। तो ये आप सूत काट कर, ये जो सूत होता है वो कैसे बिजनेस में कैसे बदलता है, उद्योग कैसे बनता है? बिजनेस में 250 रुपये किलो लेता है, 7.5 रुपये हुंडी लेता है। 7.5 रुपये हुंडी, 250 रुपये किलो ये सूत आपका बिकता है। तो इस सूत को काटने में सिर्फ आप हैं या आपके पूरे परिवार के लोग इसमें शामिल हैं? पूरे परिवार के लोग शामिल है, छुट्टी मिलता है काटता है। नहीं अच्छा, मतलब आपके बच्चे वगैरह सब इस कार्य को करते हैं। हाँ। आप खादी का जो उद्योग है इसको कैसा देखते हैं, मतलब क्या इसमें आगे आदमी कुछ कर सकता है? तो कर सकता है ना, बुनाई होता है, सूता काटते हैं तो कपड़ा बुनाई होता है खादी का, सप्लाई होता है। सबसे पहला चरखा जो इन्वेंट हुआ था, जिसे हम लोग किसान चरखा के नाम से जानते हैं, मधुबनी की इंदु चाची हैं जो कि इसे चला रही हैं और इसके द्वारा अपना कार्य को कर रही है, अपने उद्योग को बढ़ाती हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। चाची स्वागत है हमारे चैनल। चाची, ये जो आप किसान चरखा चला रही हैं, सिर्फ यही चलाती हैं कि बाकी सब भी चरखे को आप चलाती हैं? हम यही चलाता है, अमरो चरखा चलाता है। सब चरखा आप चला लेते हैं? हाँ। तो ज्यादा आप इस चरखा को चलाते हैं या दूसरे? पहले चलाया था यही चरखा, आप चलाता है अमर चरखा। तो इसमें उसमें क्या अंतर है? उसमें कम धागा पड़ता है, एक ठो है, उसमें 8 ठो है, इस धागा बेसी ज्यादा इसमें बनता है। अच्छा। तो इसीलिए वो चलाता है। तो चाची, ये जो सबसे पहले चरखा बना था, हाँ। और ये आपके पास है, आप इसे भी काम करते हैं, हाँ। तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, सब काम धाम करके अपना घर में चरखा काटता है। तो चाची, सिर्फ आप ही चरखा काटते हैं या पूरा घर के आपके लोग? पूरा घर का नहीं काटता था जी। मैं घर में अकेला हूँ, दूठो पुतू है। अच्छा। वो बहू नहीं काटता है, वो बाहर रहता है, मैं सब काम धाम करके अपन चलाता था। पतोहु वगैरह ये सब काम में नहीं है? नहीं। और बाल बच्चा लोग? बाल बच्चा लोग कम पढ़ा लिखा था, बाहर गया था, अपन बाहर में कमाता था, कुछ खाता। तो आप जो है ये चरखा कब से चला रहे? हम को चरखा 80 हम चरखा चलाया है, हमको हो गया है, सबसे पुराना है, हमको भ गया है 35 से ऊपर हो गया है। तो 35 साल से ऊपर आप इस चरखा को चला रहे हैं, हाँ। तो ये जो चरखा आप काटते हैं तो उसके बाद उद्योग में, मतलब इस चरखा से पेट पालन जो होता है, घर अच्छे से चल जाता है? घर तो अच्छा से नहीं चलता है, लेकिन अपना काम में लगा रहता है, क्या करता। मतलब अगर कुछ नहीं हो तो घर में एक स्त्री जो है वो इस कार्य को कर कर अपने घर वालों का हाथ बटा सकती है? बटा सकती है, लेकिन होता है नहीं, इसे हमको कुछ भरा पूरा नहीं होता है, लेकिन फिर भी लगा रहता था। तो चाची, हमको थोड़ा डिटेल में बताइए कि कैसे कैसे चरखा सूत कटता है, कैसे जो रुई से सूत बनता है, ये सब कैसे होता है? चलाते हम चरखा, दिखाते हैं आपको। बांग गाछ में फरता था, सुन लीजिए, बांग गाछ में फरता था। बांग बोले तो? बांग पेड़ है, पेड़। अच्छा। गाछ, हाँ। गाछ हो, पेड़ होता है बांग का, उसमें फल होता है, वो फल पक जाता है, फूट जाता है, फूट करके उरोदा में सुखा जाता है, धूपा में वो मशीन में पेराता है, उसका ही रुई बनता है। उसका ही रुई बनता है, ये सुन सुनो बाजा दिया, रुई बनता है, रुई बन के वो चरखा चलाता था। अब ये अमर चरखा हो गया है तो उसको पोला बनता है, मतलब बड़ा पोला बनता है, उसको वही को रुई को पुनी बनता है, पुनी बन को आप अमर चरखा में चला गया। जो भी मन होगा चलाइएगा किसान चरखा तो चलाइएगा, नहीं मन होगा तो चलाइए अमर चरखा, जो उससे रोजी रोटी होगा, जो आगे बढ़ जाता। मेरा संस्था है, बहुत दिन से जुड़ा हुआ है, तो चाहते हैं जो संस्था को आगू बढ़ाएंगे, संस्था में लगे रहेंगे, जब हमको संस्था आगू बढ़ेगा तो हमको कुछ आगू मिलेगा।
आप सब चरखा को चला लिए हैं, तो सबसे ज्यादा मुश्किल कौन सा चरखा चलाने में? किसी में मुश्किल नहीं है बेटा, किसी में नहीं मुश्किल है, सब चरखा चलाएंगे। मैं आदमी हूँ तो किसी से हारना नहीं है, जीतना है, जोश है। हाँ, तो सबसे ज्यादा जिएंगे तो जोश तक नहीं पड़ने का, मर जाएंगे तो जोश किसी से करेंगे। तो सबसे ज्यादा जो सूत कटता है, कम समय में ज्यादा सूत जो कटता है, वो किस चरखा से कटता है? कम समय में अमर चरखा से, अमर चरखा से होता है, इसी कारण अमर चरखा जो है अभी ज्यादातर फेमस है। हाँ, अखन चलाता है, लेकिन पहले अभी भी फेमस है किसान चरखा, संस्था शुरू हुआ है किसान चरखा से, फेमस है किसान चरखा, लेकिन अब चला दिया है इसीलिए जो इसमें एक ठो गुंडी एक बेर में बनता है, उसमें चार ठो गुंडी एक बेर में बनेगा, इसीलिए वो कम समय में ज्यादा आपको देगा। तही द्वारे जो घर में काम काज बचा बुची में लगा रहा है, समय मिलेगा तो बैठ जाएंगे उसी पर। गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया ये जो कुटीर उद्योग था, आज के डेट में जो युवा हैं, आज के समय में जो युवा लोग हैं, वो इस पे उतना ध्यान नहीं देते हैं, बोलते हैं उतना प्रॉफिट नहीं है तो ध्यान नहीं है, तो खादी को बढ़ावा देने के लिए आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हम खादी को बढ़ावा चाहते हैं जो सब लोग आप इसी प्रतियोगिता में मिल करके खादी उद्योग को, गांधी जी अपना हाथ से टोकली सूत काट करके कपड़ा बनाया था, धोती पिन्हा, धोती एक ठो धोती को आधा करके कन्हा पर लिया था, उसी लिए सबको गांधी जी को सबको जो करके आगे बढ़ाना है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए, न्यू मॉडल चरखा के पास मैं हूँ, तो जो पुराने किसान चरखा था अब ये न्यू मॉडल चरखा है, तो अभी जो खादी का बिजनेस है उसमें प्रॉफिट है? जी प्रॉफिट है, तब तो काट रहे हैं। कैसे केजी और कैसे ये बिकता है, किस तरीके से बिकता है आपका सूत? ये एक गुंडी को 7-7.5 रुपये और किलो हिसाब से 500-250 का किलो। तो आप कब से कर रहे हैं इसे? साल भर से। एक साल से, मतलब आप शादी होकर जो ससुराल है उसके बाद इसे कर रहे हैं? शादी के बाद से कर रहे हैं। तो आपको इस काम को करने में अच्छा लगता है? जी मजा आता है। अच्छा लगता है तब तो करते हैं, नहीं लगता तो नहीं करते। जी बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रदर्शनी में गांधी जी की अलग अलग तस्वीरें से लेकर अलग अलग कलाकृतियां और अलग अलग कलाएं आपको देखने को मिलेंगी। साथ में मधुबनी की सूत काटने वाली कुछ महिलाएं जो हैं यहां पे आकर खादी का भी उद्योग के बारे में पूरी तरीके से आपको डिटेल्स में जानकारी दे रही हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।